इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशरी 2023 मेंस का जनरल इंग्लिश पेपर का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये 3 घंटे का पेपर है और अगर आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, नॉर्मल स्पीड से भी कीजिएगा, तो 3 घंटे में आप 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं कंप्लीट करने के बाद। और ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए, उसके ऐड नहीं होंगे मार्क्स। जनरल इंग्लिश सेकेंड हाफ में हुआ था 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का, जिसका रिपोर्टिंग टाइम था 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच। देखिए पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है, हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4 करने थे और दिए हुए कितने, 6 क्वेश्चंस दिए हुए, 4 करने थे। फोटोग्राफ्स हैव बीन यूज्ड बाय अदर मीडिया टू, ठीक है। देखिए वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, वो पैराग्राफ पढ़िएगा अच्छे से तो आपको मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक को करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर हु हैज जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी फॉर हर जॉब, ट्राई टू गिव हर स्ट्रेंथ एंड मोटिवेट हर सो दैट शी डजंट फील अवे फ्रॉम होम, इन्फॉर्म हर दैट यू आर सेंडिंग गिफ्ट्स फ्रॉम होम विद दिस लेटर। ये लेटर लिखना है सिस्टर को। या दूसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी टू ब्रिंग फोर्थ लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन योर एरिया, मेंशन द डिफिकल्टीज दैट पीपल इन योर सोसाइटी आर फेसिंग एंड व्हाई स्ट्रीट लाइट्स आर इंपॉर्टेंट। ये दोनों में से कोई एक लेटर लिखना है, लेटर सिस्टर को लिखना है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, एप्लीकेशन लिखना है, 20 नंबर का। नेक्स्ट प्रेसिस राइटिंग है, राइट अ प्रेसिस ऑफ द पैसेज गिवन बिलो, रिड्यूस द पैसेज टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। टाइटल के 5 मार्क्स हैं, एक सुटेबल टाइटल दीजिएगा 5 नंबर, और बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मतलब 1/3 को में इसको, इस पैसेज को रिड्यूस करना है, वो 15 मार्क्स है, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए पैसेज। ये पैसेज है, टोटल 349 है वर्ड्स है और 1/3 में इसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस विथ एनी 10 वर्ड्स, 1 मार्क्स का एक है और 10 वर्ड है तो 10 मार्क्स का हो गया। रेकलेस, बारबेरियस, नेमेसिस, रेमिनिसिंग, स्टबॉर्न, एब्डिकेट, हेजे मोनी, एम्पैथी, प्रोविडेंट, बेलिजरेंट, कैकोफेनी, एफेमेरल, इनकॉग्रुअस, जक्सटेपोज। ये सेंटेंस बनाना है या ये वाला काम करना है, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सारा करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है, या तो सेंटेंस बनाइए या इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। जे यानी 10 क्वेश्चंस दिए हुए, पहला है सेंटेंस को करेक्ट करना है, नाइदर रोहन नॉर श्याम आर अलाउड टू एंटर द ऑडिटोरियम बिकॉज ऑफ देयर मिसचीव्स, यानी अशुद्ध रूप है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। मिनी कॉफी स्पिल्ड ऑन द न्यू वाइट कार्पेट, ईच ऑफ देम फॉलोड देयर प्लान, द बैग कंटेंस पेन्स पेपर्स एंड अदर्स, द नेवर वॉज सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स, वी हैव ऑलरेडी 8-आवर लंच, बिसाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, लुक्ड एट द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री, दिस हैंड वोवन शॉल्स आर मच इन डिमांड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, द मैन टू हू आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एनी 5। 5 सेंटेंस का लिखना है करेक्ट फॉर्म, और एक है 1 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। पहला, शी हैज़ राइट एन इमोशनल लेटर टू हर फ्रेंड हु इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हैज ही स्पीक द ट्रुथ, नेक्स्ट वी हैव बीन सेलिब्रेट दिस इवेंट फॉर सो लॉन्ग, वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन left it rain all evening, if I get a hike in salary I go for a long trip to the north, would you walked
इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द पैसेज गिवन बिलो. ये 5 नंबर का है, पंक्चुएशन मार्क्स देना है, यानी कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी एज द केस में भी वो पंक्चुएशन करना है और 5 नंबर आपको मिलेगा. ये है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट इन सस्पेंशन. ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ये एक पैसेज है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं हम, ट्रांसलेट द पैसेज इन टू इंग्लिश. ट्रांसलेशन करना है, हिंदी में दिया हुआ ये एक पैसेज 20 नंबर का है और ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में. हिंदी में है, ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, 20 नंबर का है. वीडियो को पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हैं, और पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये गांधी जी के जो ऑटोबायोग्राफी है वो स्टार्ट होने से पहले जो प्रीफेस दिया जाता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वही चीज़ है ये. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उसी में दिया हुआ होगा. ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन, तो ये वीडियो है हमारे जनरल इंग्लिश का जो कि क्वालिफाइंग पेपर है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.